फखरुद्दीन महू बने भारतीय पसमांदा मंच के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय पसमांदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा नेता रेवाड़ी प्रभारी पूर्व विधायक नसीम अहमद ने प्रोग्राम में की शिरकत। भारतीय पसमांदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमर सिद्दीकी व मंच के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इकबाल मलिक द्वारा फखरुद्दीन महू को हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष फखरुद्दीन महू द्वारा फिरोजपुर जिला विधानसभा के ऐतिहासिक गाँव महू में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पसमांदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमर सिद्दीकी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इकबाल मलिक, फिरोजपुर जिला विधानसभा से पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता रेवाड़ी प्रभारी नसीम अहमद ने भी शिरकत की। महू गांव पहुंचने पर नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष व महू गांव के मौजूद लोगों ने सभी अतिथियों को फूलमाला पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया। भारतीय पसमांदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमर सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय पसमांदा मंच काफी समय से गरीब लोगों के रोजगार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब मजदूरों को विश्वकर्मा जैसी योजना तथा गरीब बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने के साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब से पहले पसमांदा समाज की ओर से किसी पार्टी ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार तथा हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई। उनका काम है कि हर घर तक सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को पहुंचाना तथा अपने लोगों को लाभ दिलाना है। वही फिरोजपुर जिरका विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता, रेवाड़ी प्रभारी पूर्व विधायक नसीम अहमद ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार के नेतृत्व में कार्य कर रही भाजपा सरकार हर व्यक्ति के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। बीजेपी सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई गई जो प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना जो योजनाओं के साथ हर अंतिम पायदान में रह रहे व्यक्ति तक उनका फायदा पहुंचाने के लिए गारंटी भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय मेवात जिले के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश में बिना खर्ची पर्ची के बच्चों को नौकरी दिलाई तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का कार्य किया गया। पूर्व विधायक नसीम अहमद ने बताया कि मुख्यमंत्री बेहद ईमानदारी पूर्वक प्रदेश की सेवा कर रहा है। वही उन्होंने बताया कि जो सरकारें पिछले 70 सालों में नहीं कर पाई वे मोदी व मनोहर सरकार ने कर दिखाया। विधायक नसीम अहमद ने कहा कि अब की बार संपूर्ण बहुमत से केंद्र व हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, उनको रेवाड़ी प्रभारी बनाया गया है। बाकी अन्य पार्टियों से लोगों का विश्वास संपूर्ण तरीके से उठ चुका है। लोग भाजपा के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेवात में भी सभी सीटों पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वहीं भारतीय पसमांदा मंच के नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष फखरुद्दीन महू ने कहा कि मंच के द्वारा वे सरकार द्वारा जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई उनको वे बेहद ईमानदारी पूर्वक बेखूबी निभाएंगे। वही उन्होंने कहा कि उन्होंने इलाके के साथ साथ प्रदेश भर से मंच के माध्यम लोगों की जायज मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों में प्रसार प्रचार किया जाएगा तथा उन्हें लाभ दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वही उन्होंने भारतीय पसमांदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमर सिद्दीकी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इकबाल मलिक, वही भाजपा वरिष्ठ नेता एवं रेवाड़ी प्रभारी पूर्व विधायक नसीम अहमद तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी देने पर धन्यवाद प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पसमांदा बनाया गया है, यानी कि एक संगठन बनाया गया है मेवात की पाक सरजमी पर, आज आप लोगों ने शिरकत की है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो हरियाणा में नहीं, मैं तो देश के कोने कोने में जा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो बात अलग है। ये सब लोग मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व देते हैं, वो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए, देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमांदा का जिक्र किया, और आप आज हर टेलीविज़न चैनल पर, हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर एक सोशल मीडिया का जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पर देखते होंगे कि पसमांदा का जिक्र होता रहता है। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी, 75 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री बने, किसी ने इन पिछले पसमांदा मुस्लिम्स का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और उसी नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं उनके। हम पसमांदा लोगों से मिल रहे हैं, मुख्य धारा की तरफ उनको खींच रहे हैं। ये लोग जब जुड़ेंगे तो और देश में तरक्की आएगी और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे को बुलंद करेंगे। विधायक नसीम अहमद जी भी आए हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस भाजपा सरकार जी, तो रेवाड़ी प्रभारी बनाए हैं जी, जी क्या कहेंगे इनके लिए कि इनके गांव, ये गांव इनके लगते हैं जो दर्जनों गांव हैं यहाँ। जी जी जी, देखिए नसीम भाई से मेरी बात हुई और लोगों से मेरी बात हुई, पिछली बार चुनाव में विधानसभा के चुनाव में कुछ वोटों से, चंद वोटों से ये रह गए थे। भारतीय जनता पार्टी की कई बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये जनसैलाब देख करके कि भारतीय जनता पार्टी अगर नसीम भाई पे अपना विश्वास जताती है तो इस बार ये बड़ी बहुमत के साथ में जीतेंगे और मैं भी इनकी हर एक रैली के अंदर आऊँगा जब ये मुझे बुलाएंगे और जिताने का काम करेंगे और मैं भी अपना प्रयासरत रहूँगा कि नसीम भाई को टिकट मिले। समाज से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो महू गाँव में आए हैं, तो सबसे पहले अपनी तरफ से क्या कहना है? देखिए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी दूरगामी सोच है कि पसमांदा समाज, जो पिछड़ा हुआ हमारा जो समाज खासकर मुस्लिम समुदाय में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए पसमांदा मंच बनाया है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कंवर सिद्दीकी जी को बनाया है, यहाँ पर आए हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ लोगों ने स्वागत किया है। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं लोग और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उससे लोग प्रभावित होकर के सब समाजों में एक समान मैसेज जा रहा है कि सबके लिए विकास कार्य हो रहे हैं। इसलिए पसमांदा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत जोर शोर से जुड़ रहा है और आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। आपको रेवाड़ी का प्रभारी बनाया है, लोकसभा चुनाव नजदीक है जी, तो कैसा जन समर्थन वहाँ प्राप्त हो रहा है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अभी 16 फरवरी को एक बहुत बड़ी विशाल रैली वहाँ पर रेवाड़ी में हुई है, जिसमें माननीय मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया है जो कि हिंदुस्तान का 22वां एम्स है और जो रेवाड़ी क्षेत्र में उन्होंने उसके उद्घाटन की नींव रखी है। और मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ है कि मेरा भी जो है प्रभारी होने के नाते मेरे प्रभार के टाइम में ही माननीय मोदी जी की रैली का वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। बहुत विशाल लोगों में चर्चा है और लोगों में एक जोश है कि इस बार 400 पार जाना है, 370 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और जहाँ तक हमारी लोकसभा की बात है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतेगी। फखरुद्दीन जी, आपको भारतीय पसमांदा जो मंच है उसका प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है जी। महू गांव में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था जिसमें पूर्व विधायक नसीम अहमद, जो फिलहाल रेवाड़ी प्रभारी, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, और उसमें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपके बात करें तो सिद्दीकी साहब ने यहाँ शिरकत की थी, प्रदेश अध्यक्ष हैं मलिक साहब, वो भी आए थे और काफ़ी संख्या में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जनाब, कहना कहा जाए जी, जो मैं पसमांदा मंच का उपाध्यक्ष बनाया हूँ हरियाणा का, भारतीय जनता पार्टी, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रीय का अध्यक्ष साहब कमर सिद्दीक जी का और प्रदेश अध्यक्ष इकबाल मलिक जी का, भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का, खट्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां पार्टी मेरे लिए काम लगाएगी और जहां भी पार्टी में, पार्टी का सिपाही बनकर रहूंगा, पार्टी का काम करूंगा, जनता की आवाज़ उठाऊंगा, जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं मतलब जनता में जाऊंगा और जनता का पूरा पूरा सहयोग करूँगा और भाई इनके बीच में रहूँगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पसमांदा ये मंच है आप लोगों का, तो ये किस तरीके से, कैसे लोगों की आवाज़ उठाता है? ये गरीब लोगों की आवाज़ है जी, गरीब लोगों की आवाज़ है, पीड़ित गरीब लोग हाँ, जैसा बेचारे मतलब मियाँ हाँ, सक्का हाँ, गरीब आदमी जो भी हाँ, मतलब मुस्लिम में हाँ, गरीब आदमी OBC में जो भी आते हैं, सारा गरीब आदमी आते हैं, सबकी आवाज़ उठाऊँगा जी। अच्छा, आज अगर गरीब आदमी की बात करें तो देखो, अमीर आदमी तो अपना कहीं से जुगाड़ लगाकर कोई भी व्यापार कर लेता है, कोई भी रोजगार कर लेता है, लेकिन भाजपा पार्टी द्वारा क्या कोई ऐसी स्कीम जो लाई गई है जो गरीबों के हित में काम कर रही है? भाजपा की स्कीम है सारी जी, भाजपा ने तो बहुत सारी स्कीम ला रखी है जी, विश्वकर्मा स्कीम है जी भाजपा की, हाँ जी हाँ, भाजपा की तो बहुत सारी है जी, भाजपा की तो दिए नहीं सारी, मोदी जी की मेहरबानी है, मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ मैं, मोदी जी की स्कीम है, मोदी जी ने ही बनाई है, गरीब आदमी को आगे उठाया जाए, गरीब आदमी को पिछड़ा रखा जाए, धींग आदमी तो अपना जेक जुगाड़ सुबह से मतलब कमाते हैं, गरीब आदमी बेचारा क्या करें। तो खट्टर साहब हमारा ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का,
बहुत ही एक लंबर ईमानदार बढ़िया नेता है जी, बढ़िया सीएम साहब, बढ़िया ईमानदार बॉय। जैसी भी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, जहाँ भी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, मैं पार्टी का सिपाही बनकर रहूँगा। और मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ सिपाही हूँ पहले से ही, और अब जो भी पार्टी पसमंदावाड़ा जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी जो भी मेरी वो लगाऊंगा, मैं उसमें हाजिर रहूँगा 24 घंटा, और पाऊँगा गरीब आदमी की आवाज़ उठाऊँगा।